आई myself गुरु एंड दिस my सिटी। आपने कभी धोबी के ऊपर गधे को बैठा देखा है? यहां दिखेगा। और भगवान के पीछे शैतान वो भी दिखेगा। ये शहर है ही ऐसा अजब गजब। वेलकम टू संकट सिटी। पिक्चर फ्लॉप सबकी होती है, लेकिन 7 पिक्चर है सिकंदर जी, और वो भी एक के बाद एक, सब लाइन से फ्लॉप। मेरा टाइम फिर आएगा, याद रखिएगा मेरी बात। मेरी नई फिल्म का मास्टर गगन सुपर हिट होने वाली है इंशाल्लाह। इस फिल्म में मेरा एकदम अलग किस्म का कैरेक्टर। हाँ जी लवली जी, मिलाए आप इसको। यो सिकंदर खान तो बिल्कुल खत्म है बाबा, नाक रगड़ रगड़ के रो रहा था और टाइम मांग गया भिखारी। कह रहा था कि एक आध पिक्चर और रिलीज होने दो तो फिर सारा पिस्सा चुका दूंगा। आपको क्या लगता है, होंगी इस हीरो सिकंदर खान की पिक्चरें रिलीज? उसकी पिक्चरों को तो कोई हाथ भी नहीं लगा रहा। हमारे हिसाब से तो उसका उधार माफ करना पड़ेगा फौजदार बाबा। तो उधार माफ कर दो, सर से पांव तक, ऊपर से नीचे तक माफ कर दो। परसों I'm fully confident इस फिल्म के बाद I'm gonna be back with a bang boom। ये शादी नहीं हो सकती। प्राइम मिनिस्टर का फोन आया था कि मशहूर ISI एजेंट अल्ता फारूकी के नापाक कदम हिंदुस्तान के सरजमीन तक पहुंच चुके हैं। जाओ हमारी दुल्हन से कह दो कि फर्ज के आगे रिश्तों की कोई परवाह नहीं करता है गन मास्टर गगन। और यह भी कह देना कि अगर हम अपने मिशन में कामयाब हो गए तो ये सेहरा फिर सजेगा, ये डोली फिर उठेगी। कहिए भारत माता की। चल मेरे घोड़े टिक टिक टिक, चल मेरे घोड़े टिक टिक टिक, तबड़िक 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 तबड़िक। क्यों नहीं बोला था यार? सारे सारे शॉट फिनिश सारे, अभी बूम मार के कट बोलने का सारे। ले तू ही बोल दे। मैं बोलेगा? गोबर बंडल स्टोरी बंडल डायरेक्शन और सबसे बंडल ये कि मेरा हीरो का मार्केट एकदम जीरो।
और इस फिल्म को फ्लॉप होने से कोई माइकल लाल नहीं बचा सकता। सारे पॉजिटिव सर, यह पिक्चर हिट जाएगा या नहीं जाएगा, नेक्स्ट जाएगा पॉजिटिव सर। नो 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 नेक्स्ट पिक्चर लिंगम, मल्टीप्लेक्स का जमाना है, अपना टाइम खत्म, दिस इज लास्ट फिल्म। क्या फिर आप क्या करेगा, आप छोड़ो मैं किधर जाएगा? ओए तू स्टूडियो जाएगा और किधर जाएगा? कौन सा स्टूडियो सर? अरे यार तैनू बताया तो था कि रिटायरमेंट के बाद लैंड खरीदूंगा और उसमें एक बहुत सोना स्टूडियो बनाऊंगा, तू भूल जाता है यार। अयो यो वो स्टूडियो सर, मेरे को लगा आप काली पीली टेका लगा के बंकस मारते सर। नहीं, पीने के बाद लाइफ शुरू होती है। हॉलीवुड टाइप स्टूडियो बनाऊंगा और उसमें मैनेजर होगा एकदम मद्रासी टाइप। मद्रासी मतबल सर? मतबल तू यार, अब बता यार अगला शॉट क्या लेना है, बाकी बची हुई पिक्चर खत्म करते हैं और खिसक लेते हैं यहाँ से। सर हाँ ऐसा है तो फिर ये कैमरा इधर लगाने का, कैमरा इधर लगाने का सर, और शॉट इधर बिठाने का। वहाँ तू जेल का अंदर और यहाँ मेरा हवा टाइम। थैंक गॉड जॉनी अपना सेठ का हाथ पर जोड़ के मेरे को ड्राइवर का नौकरी पे लगा दिया। जॉनी वो तेरा कजन? करेक्ट, बाउंसर है फौजदार का नाइट क्लब में, गैंगस्टर टाइप आदमी है फौजदार, बहुत गर्म खोपड़ी का, कुत्ते का माफिक ट्रीट करता मेरे को। ये रकम का था? हाँ तो छोड़ देना साले की नौकरी, पगार अच्छा मिलता है, अभी पैसा का जरूरत भी है, गर्लफ्रेंड जो कर लिया है। अरे वाह क्या बात है मेरे फिलिप पट्टू, कौन है? गुलबदन। गुलबदन करती क्या है? वो अब लॉज के अंदर में काम करती है। कौन सा लॉज? लाला लॉज। कौन सा लॉज? वो लाला लॉज। सीधा सीधा क्यों नहीं बोलता, धंधे वाली है। फट्टू बीमारी से बच के रहना, कॉन्डम यूज करता है ना? पर्स में लेके तो घूमता है, पर वो कहती है कि फिलिप सेक्स शादी के बाद ही मनाएगा। नाकामो। चल छोड़, तू अपना बता क्या सोचा है आगे का। एक लास्ट काम करते हैं, फुल एंड फाइनल, लंबा हाथ मार के सीधा रिटायर। देखो ना ये लफड़ा वाला काम नहीं करेगा अभी अपन। बस क्या, और एक काम में मैं तेरा हेल्प कर सकता, वो फौजदार का नाइट क्लब है ना, उधर मैं तेरे को एक से एक बकरा मिलेगा, आसामी टाइप, उधर तेरा एंट्री मैं कराएगा, ये मेरा हेड अप। अरे बीच काट लो क्या? ओ भाई ओ, ओ, एक मिनट एक गाड़ी रुको, एक मिनट भाई, हेलो रुको 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 एक मिनट भाई, गाड़ी मेरी है। नो पार्किंग में लगाने को मैंने बोला था क्या? अरे यार मामला यही निपटा लेते ना, एक सेकंड। घुस दे रहा है। कोई बात नहीं, एक काम कर, तू जेब में रख, चौकी पे जा, 200 रुपये और मिला इसमें और गाड़ी छुड़ा ले। चल अब टाइम खोटी मत कर। अरे मेरी बात तो सुन भाई। अबे अरे सुन तो लो, और ले लो यार पैसे। अरे रोको भाई मेरी गाड़ी, भाई 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 मेरी गाड़ी लेके रोको। अरे तेरी गाड़ी नहीं मेरी गाड़ी है। ए देवदास रात की उतरी नहीं क्या, म्युनिसिपैलिटी गाड़ी को अपना बता रहा है तू? कौन सी गाड़ी की बात कर रहा है तू भाई? टो ट्रक की। क्या तेरा ट्रक भी ले गया? बीस किलोमीटर पर सेकंड की रफ्तार से लायोनिड मीटियोर अरेबियन सागर में गिरेगा, जिसकी वजह से मुंबई और महाराष्ट्र के कई तटवर्ती इलाकों में भूकंप के हल्के झटके महसूस होंगे। इसी के साथ आज तुम, तेरे को मैंने कितनी बार बोला है इसके नीचे मत सोया कर, एक दिन गिरेगा ना तेरे पे गणपत से चपरा ही बन जाएगा तू। मुंबई में ना वो भूकंप टाइप का कुछ आने वाला है, मालूम है तेरे को?
अब क्या करूं गुरु, और कहीं नींद भी तो नहीं आती। चलो उठ, चल डिनर करते हैं। मस्त परवल की भाजी बनाई है। परवल की भाजी? हाँ, टेस्टी एकदम। हाँ। अपना तो खाना हो गया भाई। बस क्या, हम मस्त बिरयानी शिरयानी टाइप का खाके आए। डेंजर है यार, सच में यार गणपत। अरे एक बार भी ध्यान में नहीं आया कि गैरेज में बुड्ढा वेट कर रहा होगा भूखा। तू, मैं क्या तेरी मम्मी हूँ, हर दो घंटे में सीने से लगाऊं दूध पिलाऊं? है अरे लंच और डिनर खाली दो बार इस बुड्ढे को कंपनी देने से तेरी क्या बैटरी डाउन हो जाएगी? तेरे साथ खाने में प्रॉब्लम है बुड्ढे, खाता मैं हूँ, आवाज तू करता चपर 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 चपर। ऐसा? हाँ। ऐसा? हाँ। आज से कभी भी तेरे साथ खाना नहीं खाऊंगा। फर्स्ट क्लास पीस है गुरु, अच्छा पैसे मिलेगा। तेरे शराफत के होते हुए मिल चुके अच्छे पैसे। कब से बोल रहा हूँ किसी नए भड़वे को ढूंढ लेते हैं, लेकिन नहीं तो पकड़ना, किसने मना किया है। अरे पर तब तक शराफत से काम चला, अंदर ले आ। अरे पढ़ मत, काम कर काम कर। चल गुरु, हो गया शुरू। बाई बाई मन मोरा सा कसा पिता। अरे रोक रोक, सामने बकरी भाई, बकरी ठोकी रे। आई टोल्ड नो शॉर्टकट, यू नो लिसन। अरे बस करना सचा, नया नया पेंट है, उखड़ जाएगा यार। चल ले जाए इसे ससुराल। हाँ शराबत को गाड़ी बाद में, हाँ पहले अपने बच्चों से मिलूंगा। चल भाई चला सोने। अरे क्या है वो गाड़ी के नीचे मत सोना। चल चल निकल निकल, चलो हमेशा हमेशा के लिए सो गए। गुड मॉर्निंग बच्चा पार्टी। हु इज हियर? पापा इज हियर। यू मिस्ड मी, आई मिस्ड यू ऑल्सो। नाउ पापा विल गिव ऑल यू ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट स्लो मोशन। अभी तो हंसते यार। हाँ हाँ समझ गया समझ गया, अब रखता हूँ, खुदा हाफिज। हाँ अरे ईद के चांद, खैरियत तो है? लगता है धंधे में दिल नहीं लगता तेरा। अरे वाह अच्छा पीस है, गणपत के हाथ में जादू है। बुड्ढे को ले आएगा भी, अरसा हो गया मिले हुए। अरे गैरेज के बाहर निकलेगा तभी तो लेके आऊंगा ना। साला खुली हवा क्या है, भूल चुका चाचा मेरा। बम्बई में खुली हवा कहाँ है भाई, हमें भी बता, हम भी सूंघ ले। बॉस ऐसा है ना शराफत भाई, वेदर वीदर की छोड़ो, गाड़ी का कितना दोगे बता। अरे मेरे बाप बिकने तो दे, रोकड़ा आते तेरा हिस्सा भिजवा दूंगा। हाँ चल भी भिजवाएगा, चाप और बोटी खुद खा लेगा। खुदा जानता है मैंने कभी किसी का हिस्सा नहीं दबाया, आजकल धंधे में पहले जैसी बात नहीं है, पहले कीमतें जो मिलती नहीं 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 नहीं, सैड स्टोरी नहीं सुननी है भाई, जेब ढीली करो, राशन पानी के मान दे। अरे भाई आज मैं डिसाइड करके आया हूँ, बगैर पैसे के नहीं जाऊंगा यहाँ से। ठीक है मेरे बाप, बतौर एडवांस 2-3 हज़ार ले ले, इससे ज्यादा नहीं दे सकता। अरे 2-3 हज़ार में बच्चों का खाना नहीं आएगा भाई। ले ले भाई, मैं अबे 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 वापस दे, पूरे 10,000 है उसमें। इसे में से काट लेना। अरे तत्ता, अरे फोन 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 फोन। अरे यार हेलो, लिंगम। हाँ लिंगम भाई, एक सेकंड होल्ड करो। अबे ओ भाई, 2-4 नोट तो देता, जेब में एक थैला भी नहीं है। इतना रोता है, ले हाला दे। अबे साला चूना लगा के। हाँ लिंगम भाई बोलो, क्या खिदमत करूँ? शराबत सर, एक गाड़ी का अर्जेंट जरूरत। अभी अभी फैक्ट्री की कोक से निकला हुआ ऐसा एक पीस पेश कर सकता हूँ जनाब, और दाम सिर्फ 2 लाख। क्या शराफत सर, 2 लाख? तुम भी ना सर, गाड़ी चलाने का नहीं है, आकस्मिक सीन में उड़ाने का है सर। ऐसा करो सर, इंजन तुम रखो, मेरे को काली गाड़ी का ऊपर का डब्बा दे दो सर। डब्बे का कितना?
सर वो बाद में देखेगा, पहले भेजो तो। अरे भिजवाऊंगा कैसे, इंजन तो निकल जाएगा ना। ड्राइवर करके लेके आओ सर, इंजन इधर ही निकालेगा। तो इंजन वापस कैसे लेके जाऊंगा? ट्रक में। ट्रक का पैसा कौन देगा? तुम्हें देगा और कौन। बाय सर। ओके चरापत भाई। ला गोगी ऑटो इंटरनेशनल। फौजदार बोल रहा हूँ जी, गोगी को तो होल्ड सर, होल्ड सर। मैं हीरोइन बनाऊंगा अपनी। डिक्टेशन। डियर मैडम, आई बैक टू से दैट। भाई का फोन है। कौन सी भाई का? काम वाले भाई नहीं, फौजदार भाई। लेके जा, लेके जा, लेके चला। गाड़ी गाड़ी तो मैं सारा करूँ, मैं ऐसा पता नहीं चलेगा। पैरी पहना पाजी, क्या हाल है? महाराज की कृपा है जी। कैसी चल रही है जी तेरी फिल्म? बुरा हाल है पाजी, ऊपर से मेरे हीरो को कुत्ता भी नहीं पूछ रहा। ओ जी गोगी जी, मतलब धरती पे बोझ है तेरा हीरो है जी। तो धरती का बोझ तो थोड़ा कम होना चाहिए ना, है कि नहीं जी? समझ नहीं आया जी। और मैं तो तेरे हीरो को आज ही दबकाने वाला था जी, फिर मैंने सोचा कि तेरी फिल्म की शूटिंग कम्प्लीट नहीं हुई है, इसलिए मैं थोड़ा रुक गया। नहीं 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 पाजी, अब आपको इंतजार करने की जरूरत नहीं है। थोड़ी बहुत जो पिक्चर बाकी है मैं डुप्लीकेट के साथ पूरी कर लूंगा। मतलब तेरे हीरो को मैंने मार दिया तो तेरी फिल्म पर असर नहीं पड़ेगा क्या? घनघोर असर पड़ेगा पाजी। अभी मेरी पिक्चर है मंगल पांडे, ते इधर हेडलाइन छपी और उधर वो हो जाएगी लगान। पाजी सिकंदर को ना जल्दी शूटिंग दे विच मेरे सेट के ऊपर ही शहीद कर दो। कुली याद है बच्चन जी को तो थोड़ी सी चोट लगी थी, अपना तो पूरा का पूरा बंदा ही खत्म हो जाएगा पाजी, बेड़ा पार हो जाएगा। 1000 प्रिंट के साथ रिलीज करूंगा ओवरसीज दी, ते गली छड्डो। ओए तेरी स्कीम तो ठीक है, मगर क्या है ना, हमारा लवली जो है ना थोड़ा साई किस्म का है, और तेरे सेट पर लोग होते ना तो थोड़ा मुश्किल हो सकता है जी। तो पाजी आप किसी सुपारी किलर से काम करा लो ना। ओए सुपारी किलर के पैसे कौन देगा, तेरा बाप? वो तो पाजी मैं पब्लिसिटी के बजट से जुगाड़ कर लूंगा। वो तू बड़ा सलाख है, तेरे को तो मेरे नीचे काम करना चाहिए जी। नीचे ही काम करता हूँ पाजी आपके। तू मेरे को फिल्मी स्टोरियां सप्लाई करता है, उसको काम करना बोलता है तू। पाजी आज रात दी कोई रिक्वायरमेंट हो तो दसो। नहीं आज की नहीं, कल भेजना। तू मद्रास की होनी चाहिए, डायनामाइट टाइप। ए, जल्दी करो, ए जल्दी से कनेक्शन कर। जल्दी उसको मास्टर जी क्या चिल्ला रहे हो आप? इधर आओ, इधर आओ आप। ए, उसको भी बुलाओ भाई साहब, आप भी आइए। ओए वायर इधर आ। मुझे पैसों की जरूरत है, मेरा अगला इंस्टॉलमेंट कब ड्यू है? अरे केड़ी इंस्टॉलमेंट सर जी? है? सर आपकी तो फुल एंड फाइनल पेमेंट हो चुकी है। हो चुकी है? हाँ? कोई और पिक्चर की हो सकती है फिर? और कौन सी पिक्चर कर रहे हो आप? नहीं कर रहा हूँ। नहीं गोगी जी, यानी सब मनी गोगी जी, मुझे मुझे जरूरत है पैसों। रिलैक्स रिलैक्स, कूलिट कूलिट। सिकंदर जी आप एक काम करो ना, आप वैन में बैठो और फटाफट रेडी हो जाओ, तब तक ना मैं एक ब्लास्ट का शॉट ले लेता हूँ, उसके बाद आपका लेता हूँ शॉट। ओए लिंगम कहाँ मर गया तू? क्या बोला सर? मैं पूछ रहा क्या कर रहा है तू? वही मैं कान डाल रहा हूँ सर, ब्लास्टिंग का शॉट है सर। ब्लास्ट रेडी? रेडी सर। रोल साउंड। रोलिंग। रोल कैमरा। रोलिंग। 139x1 टेक 1 एंड एक्शन। एक बात बताओ सुलेमान, मैंने सुना है कि ये सिकंदर खान आपका बेस्ट फ्रेंड था, फिर भी ठोक दिया आपने उसको? हाँ फौजदार साहब, पैसों के लिए तो मैं अपने बाप को भी ठोक दूँ। बाप को भी ठोक दो मान जी आप तो। मुझे बड़ा सुकून मिलता है आपकी गाड़ी में, कार हो तो मर्सिडीज,
वरना अपनी टैक्सी क्या बुरी है? लो जी, है? आप ही खरीद लो एक मर्सिडीज। मुझे क्यों गरीब का मजाक उड़ाते हो? 50 लाख की अपनी औकात कहाँ है? 10-15 में दिला दूँ क्या? लाई बन जाएगी? बन जाएगी ना। ओए सुधर्मुग, सुधर्मुग सराफत को फोन लगाओ जी, सोरी की गाड़ियों का दल्ला है जी। करा दो बाजी। ओ ठोकेगा, रोड पे नजर रख कुत्ता साला। गुड इवनिंग सर। लवली कहाँ है जी? रिमांड रूम में सर। हाँ जी मेरे दिल का टुकड़ा, कल का ठेकेदार और आज का बिल्डर, वादा निभाना कोई आपसे सीखे 25 सियाजी। काश मेरे सारे कर्जदार आप जैसे होते 25 सियाजी। फौजदार साहब, वो एक छोटी सी प्रॉब्लम है। हाँ जी फरमाओ। वो मैं 1 करोड़ का ही इंतजाम कर पाया हूँ अभी सिर्फ। तो बाकी के 2 करोड़ कौन देगा जी? आपका कजन ब्रदर? नहीं, मैं ही दूंगा। पर वो इनकम टैक्स की रेट पड़ गई मेरे इधर, इसलिए पच्चीसिया साहब आओ जी, आओ इनसे मिलो जी। लहू लुहान होने से पहले ही हुआ करते थे मिस्टर मुराखिया। मुराखिया साहब, कर्जा लिया था जी इन्होंने हमसे, लौटा नहीं पाए, तो जानते हैं क्या किया? ये भाग गए और साढ़े जाके सुबह गए सासन गिर में। अब यहां बैठे हैं जी, सेवा करवा रहे हैं। तो पचीसिया साहब, मैं कह चाहता हूं ना कि आप भी थोड़ी सेवा करो इनकी। नहीं, हाथों से प्रसाद दो जी इनको। करो जी, करो करो ना, मजा नहीं आया पचीसिया साहब, थोड़ा जोर से मारो, घुसा मारो जी घुमा के। ये हुई ना बात। महाराज जी की जय, महाराज जी की जय, महाराज जी की जय। कितना है जी? 6। ओके, अब आपके पास मेरे 2 करोड़ वापस करने के लिए 6 दिन है जी। सब अगर आप चाहे तो मैं आपका पैसा आज ही वापस कर दूं, अभी अभी। पर अभी अभी तो आप कह रहे थे कि आप कंगाल बैंक ऑफ इंडिया हो। नहीं, कैश नहीं है। हाँ, पर मेरी एक जमीन है पनवेल में। वो आप रख लो। जमीन का मैं क्या करूंगा पचीसिया जी, कबड्डी खेलूंगा। मैं इस जमीन के पचड़ में नहीं पड़ना चाहता। रोकड़ा दिया था ना, रोकड़ा ही वापस लूंगा। अब गॉडफादर का हाथ चूमो और पैसे के इंतजाम में लग जाओ। चूमो जी। Shot of tequila. गोगी बोल, क्या हाल चाल है? हाल ना पूछ, बुरे हाल है। हाँ यार, वो देखा था न्यूज। अब यार रायता खड़ा हुआ है, शूटिंग बंद है, एक्शन डायरेक्टर जेल के अंदर है, ऊपर से पुलिस की टंटे, चैन से बॉडी भी क्लेम नहीं करने दे रहे। बॉडी बची है? यार आधी खोपड़ी, रान का हिस्सा, नल्ली टाइप के पार्ट, कुछ उंगलियां शुंगलियां, यही सब। रो कौन रहा है?
क्या हुआ? अच्छा उसको छोड़, ये बता तूने फोन क्यों किया? अब तूने अपने स्टूडियो के लिए जमीन खरीद ली क्या? नहीं अभी तक नहीं, क्यों? मेरी पनवेल वाली जमीन खरीदेगा? यार तेरे को तो पता है कि स्टूडियो के लिए उससे अच्छी जमीन मैंने आज तक नहीं देखी, लेकिन तू उसकी कीमत ही बहुत ज्यादा मांगता है। देख आज एकदम नया ऑफर है, 2 करोड़। सुबह से कोई और नहीं मिला क्या? गोगी मैं 25 बोल रहा हूँ, 25 कट्टू कट वाला। देख आज मैं थोड़ी मुसीबत में हूँ, तकलीफ है मुझे, इसलिए 4 वाली जमीन 2 में बेच रहा हूँ, जल्दी बोल। देख भाई अगर ये बात है तो ये डील पक्की समझो, इनफैक्ट 1 करोड़ रुपया तो मैं अभी तेरे घर पहुँचा सकता हूँ, ऑफिस में पड़ा हुआ यार, और बाकी का धीरे धीरे इंस्टॉलमेंट। नहीं 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 गोगी, तू पहले मेरी पूरी बात सुन ध्यान से। देख सेल की मेरी 2 कंडीशन है। नंबर 1, 2 करोड़ मुझे कैश चाहिए। दिमाग खराब हो गया तेरा यार, मरवाएगा तू? देख सस्ते का सौदा है, सोच ले। दूसरी शर्त क्या है? कैश मुझे 3 दिन के अंदर चाहिए, नहीं तो मैं ये ऑफर लेकर किसी और के पास जाऊंगा। रुक तो सही, सुन तो सही यार, समझ ले पैसों का इंतजाम हो गया, वो जमीन मुझे किसी भी हाल में चाहिए ही चाहिए। ओके ओके, मैं तुम्हारे कॉल का इंतजार करूंगा, ठीक है? रख भी। चलो बाय 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 बाय। Mind blowing. One more large. मैंने वो one small whiskey this time. Little. Weak. Smoking kills. Light? Why not? Sure. आप quit. 2 महीनों से नहीं पी. One more shot for me. कमाल है. आप पीती नहीं है पर पैकेट रखती है. खुशबू पसंद है। ओह बहुत डर पाजी, आप इंतजाम कर सकते हो जी, अर्जेंट जरूरत है। ओ जी गोगी जी, बड़े लकी हो जी आप, अभी अभी एक पार्टी 1 करोड़ रुपया छोड़ के गई है, बोलो तो भिजवा दूंगा अभी। मेहरबानी पाजी, बहुत बहुत मेहरबानी, मैं जल्दी वापस कर दूंगा जी, इंटरेस्ट के साथ। ओजी गोगी जी, वो आपकी मद्रास वाली डायनामाइट का क्या हुआ, अभी तक पहुंची नहीं? अब पाजी लिफ्ट में आपकी, समझो अभी घर की घंटी बजती होगी। आवाज चला गया। हाय आई एम रिया। आई एम पवन 25 बिल्डर। हे दैट्स अ नाइस स्टोन। यस टी फ्लॉलेस 2 कैरेट्स ब्रिलियंट कट ग्रेट टेस्ट मैन। ओह माय गॉड, कमाल की नजर है आपकी। एक्चुअली मेरे डैड का डायमंड का बिजनेस है केप टाउन में। ओह माइंड ब्लोइंग, आप भी वहीं रहती हैं? मुझे यहाँ अच्छा लगता है। I just love Bombay. I love Bombay also. आप करते क्या वैसे? Housewife हूँ, हस्बैंड और दो छोटे छोटे बच्चों का ख्याल रखती हूँ। Don't be silly man. I'm single. तुम्हें कोई बात है? तुम्हें कोई बात है? अब चलो मुझे टैक्सी तक छोड़ो, चलो। टैक्सी क्यों? गाड़ी है ना मेरे पास, कार, लेट अस। कम इन, डोंट फील शाय, यू चेंज गियर, आई विल ड्राइव। और जॉनी पैसा तू? सब एकदम फिट। किधर जाता फिलिप? वो गोगी साहब है ना, उसको माल पहुंचाने का। Your house already come so early. अगर कल सुबह ऑफिस के लिए जल्दी निकलना नहीं होता तो कॉफी के लिए जरूर इनवाइट करती। नहीं नहीं मैं फटाफट पी लूंगा, फटाफट। अगली बार प्लीज। ओके ओके
ओके स्वीटी बाय। फोन जरूर करना। गुड नाइट स्वीटी। बाय बाय। रिक्शा इधर बोला था ना धंधे के टाइम डिस्टर्ब नहीं करने का। सॉरी गुलवर्धन। चल बटन लगा। वो क्या है कि अपुन के पास सेठ का मर्सिडीज है, तेरे को ड्राइव पे चलने का तो बोल। फिलिप फट्टू वो फोन के थ्रू एंड थ्रू चाकू मार देगा मेरे को। अरे तेरी इतनी फटती है ना, तो मुझे नंबर दे। लक बाय चांस अगर गाड़ी रिकवर हो गई तो तेरी जान बच जाएगी। तू समझती नहीं है गुलबदन, सेठ को गाड़ी नहीं मिला तो भी मारेगा, मिला तो भी मारेगा। तब तो एक ही रास्ता है, कल्टी मार मुंबई से। कोई फायदा नहीं है, जिधर भी छुपेगा फौजदार ढूंढ निकालेगा मेरे को। लाउड स्पीकर बंद, दिमाग पर जोर डाल, कोई तरीका निकाल जान बचाने का। एक रास्ता है, लगा तो तीर, नहीं तो भेजा फ्राई। राधे राधे चल ग माझ्या अंगणात खेळू, सांग तुझ्या सख्या नाग अंगणात खेळू। राधे राधे चल ग थ्रू असली है। गणपति बाप्पा, गणपति बाप्पा, मोरिया, गणपति बाप्पा, मोरिया रे, मोरिया रे। फौजदार का ड्राइवर आया ही नहीं पैसे लेके। ना सर, इधर कोई नहीं आया था, आपने बोला इधर से हिलना नहीं, मैं तो पिसाब करने के लिए भी नहीं हिला सर। जाप करा पिसाब। थर्ड क्लास बॉस। क्या बोला? मेरा गैरेज? मेरा मतलब है अपना गैरेज। मैं तुझे 50% पार्टनर बनाऊंगा ना। फुल 50%। 50%? अरे वाह, सारा रिस्क उठाऊं मैं, गाड़ी चुराऊं मैं, और 50% का मालिक बनेगा तू। हाँ, क्या बोल रहा है? नहीं 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 नहीं, देख परसेंट बिसेंट निकालेगा ना, 80 मेरा 20 तेरा, जमता है तो बोल। ले जा, उठा ले जा, नहीं चाहिए तेरा 20%। और वो मर्सिडीज भी लेके जा। हलकट साला। रुक्मिणी रुक्मिणी, क्या मुला और विश्वास टकला, वो अपने मुल के जैसा ही निकला, आज ही तू मेरे लिए मर गया। काहे को ब्लड प्रेशर बढ़ाना बुड्ढे। अच्छा चल 50-50 क्या, ठीक है, वैसे भी 2-3 साल में जाएगा तो रुक्मिणी के पास, उसके बाद ऑल गराज माइन। तेरे मरने के बाद ही मरूंगा पहलवान, आई शपथ। बाल डाई करने से ना लाइफ नहीं बढ़ती है बुड्ढे। एक काम कर, वो बैग है ना अलमारी में रख और 2-3 महीने के लिए भूल जा उसे। क्यों क्यों अलमारी में रख के 2-3 महीने के लिए? क्यों क्यों? अरे क्यों क्यों क्यों? अरे ऐसे तो पकड़े जाते चोर, साला माल हाथ में आया नहीं, खर्चा करना शुरू, पुलिस ट्रेस करती है, पकड़ लेती है।
फिर तो मर्सिडीज भी नहीं बेच सकेंगे। अब पुलिस ट्रेस करके पहुंचेगी ना यहाँ। टी टों पहुंचे पुलिस। ये शराफत बहुत पहुंची हुई चीज है, सारी सेटिंग है उसकी, समझा? अरे निकालना अपनी पिचकारी, कर दे गाड़ी को नीला पीला हरा, चल। अरे गुरु कितनी बार बोला है, अपने पास खाली सिल्वर कलर ही बचा है। एक बार टेस्ट ड्राइव करके पूरी तरह से तसल्ली कर ले, फिर पैसों की बात करते हैं भाईजान। ओके खुदा हाफिज़। हे गुरु, सारे लड़के डिलीवरी पे गए हैं, प्लीज तू ये पीस कस्टमर को दिखा ना, पास ही रहता है सायन में। नहीं चिंदीगिरी वाला काम अपने से नहीं होगा। अरे यार जाना, प्लीज जाना यार, फाइनल लास्ट टाइम है। हाँ। एड्रेस दे। हाँ। फोन। हाँ। अरे फोन। हेलो सलाम वालेकुम शरबत भाई। गुरु है, गुरु है ना? देना देना देता हूँ देता हूँ। गणपत है, थोड़े पे सवाल लग रहा है। हाँ बोलो गुरु। पैसा कहाँ छुपाऊ, गैराज में कोई जगह ही नहीं है। क्यों अलमारी से दुश्मनी कर ली क्या? चोर घुसा है तो सबसे पहले अलमारी में ही देखेंगे ना। हाँ ताजमहल जो है तेरा गैराज, कभी बाहर से देखा? कोई मुतने भी नहीं जाएगा अंदर। अच्छा तू सो जा, लंबी तार सो जा, कटिंग कर रहा हूँ। हेलो हेलो ए, हाँ मेरा मोबाइल दे, तू एड्रेस दे। अरे तो मोबाइल तो दे पहले। तुझा गणपत खजाने जागीरदार, यू आर ए जीनियस। पैसा नहीं पहुंचा कर भाई गॉड, पता करता हूं कोकी, साला फिलिप हट्टू पैसे लेकर पहुंचा ही नहीं कल रात। क्या बात कर रहे हो जी, गाड़ी ठोक तो नहीं दी? हरामजादा पैसे गाड़ी लेकर भाग गया होगा, जरा पता कर कौन है। आयुष्मान बाबा महाराज जी प्रणाम। भक्त को कैसे याद किया महाराज जी? तुम्हारा स्वर कुछ मुरझाया हुआ लग रहा है पुत्र, कुछ खो गया क्या? कहीं तुम्हारा धन से भरा वाहन तो नहीं? आपको कैसे पता साला महाराज जी? चौंक मत नादान, तुम्हारा वाहन चालक किस समय हमारे समक्ष उपस्थित है। कहता है कि कल रात कोई दुष्ट तुम्हारा वाहन उससे छीन के ले गया। ऐसा बोला महाराज जी? हाँ, ये उस समय हुआ जिस क्षण वो अपनी प्रेमिका से मिलने गया था। उसको तो मैं नहीं छोड़ूंगा महाराज जी, तड़पा तड़पा के मारूंगा जी मैं उसको। तुम कोई ऐसा अनुचित कार्य नहीं करोगे। परंतु महाराज जी मेरी बात सुनिए तो सही। कोई अंत परंतु नहीं, वो अपने प्राणों की भीख मांगने के लिए हमारी शरण में आया है, उसे एक अवसर और दिया जाए। महाराज आपका हुक्म सर आंखों पर, मगर उससे अब हम रखते हैं, शीघ्र तुम्हें दर्शन देने के लिए आएंगे। तब तक के लिए ओम शांति ओम। ओम शांति ओम। तुम्हें बिना यूनिफॉर्म के देखकर हमें अपने बचपन के मित्र नरोत्तम लाल की याद आ गई। गांव के तालाब में साथ साथ नहाने जाते थे निर्वस्त, आज हम तुम्हारे साथ नहाएंगे। वो क्या समझता है, महाराज जी के आंचल में जाकर छुप जाएगा तो माफ कर दूंगा? साले का एक भी बाल बांका किए बिना ऐसा दर्द दूंगा कि जिंदगी भर मलम लगाता फिरेगा। पता कर हरामजादे की महबूबा कौन है। उसका कजिन जाने जिक्र कर रहा था जी, गुलबदन करके है कोई। गुर्था बढ़ा दे, वहां तो मिल जाएगी फौजदार बाबा, पहले पिस से और मर्सिडीज ढूंढ लेके। सहज कर चप्पत चप्पत छण मार, कोई कसर मत छोड़ना, ताकत लगा देना अपनी पूरी। मर गया सवाल रावत भाई को बोलना कि सुलेमान को गाड़ी पसंद है। ओके तो मैं गाड़ी छोड़ के जाऊं ना? मैंने सुना बड़ा बेस्ट फ्रेंड था आपका सिकंदर खान, फिर भी साले को ढूंढ दिया। छोड़ के जाऊं ना?
गाड़ी चोरी की, उसमें सूटकेस नहीं था सेठ, कसम से सेठ, कोई पहले पैसे उड़ा लिया होगा सेठ, सोचो ना सेठ, पैसे अगर मिल गया होता तो कब का मैं मुंबई छोड़ के भाग गया होता। नहीं, गैराज में, गणपत चाचा के गैराज में। एक नोट भी खर्चा नहीं किया सेठ, पूरा लाके देता हूँ। जाऊजी इसके साथ लवली जी, और पैसा मिलते ही मसल देना साड़े को, और इसके अंकल को भी कीड़े हैं साड़े। अरे बाहरा, अरे वो अंदर से कुंडी लगा, दबाव बन रहा है, कति सो रहा होगा ना, बाद में आते ना। चिपक लीजिए, ऐसा चिपक गया सीट पे, खड़ा हो, चल निकल। धीरे यार, विदाल फास्ट हुई है, गैराज है यार। अरे गेट तो खोल ला लिखने का, चल गणपत। ए गणपत, अरे लोरी गा रहा है गणिया। बाहर के तक खुल गया, अरे तो पहले बताना था ना। कंपाउंडर समझ रहे मन है, इससे क्या है, सूटकेस में, कूट से सूटकेस में, कबाड़ में, कहाँ के पास, कबाड़ में, उसमें 1 करोड़ रुपए 3 टप्पर में धर दिए। कोई डॉक्टर चाहिए यार। अरे नहीं है, अरे कबाड़ में थोड़ी ना डॉक्टर होता यार, इससे, अरे पीछे सूटकेस में ना। अरे नहीं है, सूटकेस यहाँ पड़ा है, सूटकेस खाली है। डर गया, मजाक कर रहे हैं लवली से, डर गया, मजाक, बुड्ढा बुड्ढा उस दिन डर गया था कहीं पीछे चोरी ना हो, इधर कहीं छुपा होगा, चाहे सास अंदर सास बाहर कर रहे यार, टाइम पास कर रहे हैं लवली से यार, सास तो खत्म है कति। एक मिनट पहले मेरी बात सुन, सिर्फ बुड्ढे को मालूम है कि पीछे कहाँ छुपा है, अगर वो हॉस्पिटल नहीं पहुंचा तो परी बन जाएगा, है ना, है ना, है ना, क्या है ना, उसके बाद घंटे सब लगा यार। अरे तो अरे क्या कर रहा है, अस्पताल लेके चल, लेके चल रानी की कसम तुझे चाचा, मर मत ना जाइयो भाई, चल उठा, चल चल। Well, which brings us to the conclusion that patient Mr. Ganpat is suffering from a temporary loss of memory. Dr. Zivago ji, Hindi aati hai na? Patient ka wo kya bolte hai? Ghanta? No, yaadasht. Yaadasht bhool gaye. Itne yakeen se kaise keh sakte ho aap, ha? Main doctor hai. London se training li hai. Wo yaadasht aane ki acting bhi to kar sakta hai wo uncle. No. देखो जब याददाश्त भूल जाते हैं तो एक्टिंग भी भूल जाते हैं। इसकी हिम्मत रखिए। नो प्रॉब्लम, काली पेपर वेट था, टूट गए, अच्छा हुआ। लंदन से लाए थे मैं। या डॉक्टर जिवागो, ये कहाँ से लाया? ये भी लंदन से लाया है, चाहे तो तोड़ सकते हैं। और ये कहाँ से लाया? नो, दिस इज मेड इन इंडिया। या कुछ आया दिमाग में टिंग टोंग? अभी आया काही टिंग टोंग नहीं। कौन छु मने खबर नथी, मारी मम्मी कौन छे, मारा डैडी कौन छे। जोड़ी क्या कर रहा था? सॉरी सर, अपन तो इसका मेमोरी वापस लाने का ट्राई करता। अंकल जी कुछ याद है आपको कि नहीं? कहाँ वो कॉकरोच गुरुनाथ, कहाँ है वो कॉकरोच? भागने की फिराक में था जी। अरे नहीं नहीं सर, मैं तो टॉयलेट ढूंढ रहा था सर, मुझे टॉयलेट ढूंढ वो ट्रिगर मत होना सर, सर नहीं आवाज करेगा बाहर, सिक्योरिटी का आदमी सर। सेठ सेठ सेठ, मैं आपको पैसे ला के देता हूँ ना, गैराज में कहीं तो है पैसे। गैराज में एक भी पैसा नहीं है जी, मैंने सब ऊपर नीचे करके देख लिया। आवाज नीचे कर सेठ, देखिए अगर ऐसा हुआ ना सेठ,
तो मैं टाटा के बंगले में डाका डालेगा। हाँ हाँ, बिरला का बेटे को उठा लेगा सेठ। मैं वो डेंजर आदमी हूँ सेठ। सेठ मैं किडनी बेच देगा। एक कनपत करा लिवर बेच देगा सेठ। अच्छा सेठ, देखिए सेठ, सेठ टाटा बिरला किडनी लिवर 1 करोड़ हो गया ना सेठ। सेठ ये पिस्तौल सब पैक कर दीजिए ना सेठ। सेठ सेठ फॉरगिव मी सेठ, डोंट किल सेठ। सेठ पकड़ो जी इसे। तू तो गया गुरु। इन गोटियों को पकड़ो जरा। पकड़ो जी पकड़ो। लूडो खेलेंगे सेठ। लूडो की नहीं है, उछालो इनको। यहाँ उछाल दूँ? हाँ जी बताओ इनको कहाँ उछाल। अरे अरे उछाल दे खत्म। अरे उछाल उछालता हूँ ना। चौंटी चौंटी तीन आले कहाँ थे? ओके जी, तो गुरुनाथ जी तो आपके पास है 3 दिन। आज है गुरुवार, आज है थर्सडे, मतलब संडे की दोपहर तक अगर तूने मेरे लिए 1 करोड़ का इंतजाम नहीं किया तो मैं तेरे को और तेरे इस गुड़ी पारे वाले मामा को जहन्नम में पहुंचा दूंगा। ये बात तो दिमाग में डाल ले। ठीक है सेठ। और अगर तूने भागने की कोशिश की, नहीं सेठ भागने तो एक भगोड़े की खाल का तो मैंने जूता बनाया था। हा? और तेरी खाल का बनाऊंगा मैं लंगोट, और तू फिर मेरे शरीर के किस अंग से लटका रहेगा ये तो तेरे को पता चल ही जाएगा। लवली जी ऐसा करो जी, गणपत के डिस्चार्ज का इंतजाम करवाओ और सोनी को लगा दो इन दोनों के पीछे नजर रखने। ठीक है जी। ओके बाबा। गोगी जी आप टेंशन मत लो, आपका 1 करोड़ परसों तक पहुंच जाएगा। नासिक की एक पार्टी लुटाने वाली है। ये गोगी मरवाएगा, उठाने नहीं गया। ये नेकलेस बहुत सूट करता है तुम्हारे ऊपर। कैसे ना हो, तुम्हारी चॉइस इतनी अच्छी है। अरे क्या बात है, इतना खोया खोया सा क्यों है? जॉन्डिस हो गया क्या? नहीं नहीं थोड़ी एसिडिटी है, बस ठीक हो जाएगी। सॉरी गोगी, चिल्ला कर रहा है। ओ यार कब से फोन ट्राई कर रहा हूँ तुम्हारा। पैसे अरेंज हो गए? अरेंजमेंट हो गया। परसों आके ले जाना। परसों? हाँ परसों, मतलब सैटरडे। ऑफिस चले आना। हाँ ठीक है, मैं प्रॉपर्टी के पेपर लेता आऊंगा। चल बाय बोल। अब बाय 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 बाय। माइंड ब्लोइंग। गणपत नो बैड मैनर्स। ये ड्राइवर कहाँ चला गया बे? लो पापे कमी स्टोली स्टोली। सॉरी पापे, थोड़ा टाइम लग गया। टेंशन नॉट यार। सरदार जी तेरे गणपत के लिए भी अरदास किया मैंने बाबे से, ये ले थोड़ा प्रसाद उसको भी खिला दे। ला ये खाने से मेमोरी आ जाएगी वापस। अरे बाबे की मेहनत तो अच्छी अच्छी चीजें याद आ जाती हैं। पहले थोड़ा सा खा। चलो जी गराज का रास्ता बताते रहो। ए गुरु थोड़ा मेरे को भी टेस्ट करा ना। अबे मेमोरी इसकी गई है, जान मेरी खतरे में, तेरे को क्यों टेस्ट करो? अपना तो जी हर थर्सडे फिक्स है, इस गुरुद्वारे में आना ही आना है। मन्नत मांग रखी है ना बाबे से। किस चीज की? यही कि मेरा खोया हुआ भाई मुझे वापस मिल जाए। मुक्तसर के मेले में बिछुड़ गया था, ये देखो 25 साल हो गए हैं। 25 साल? तो छोटे सरदार जी। एक बात बता। पूछो। अगर तेरा भाई सामने आ भी गया तो पहचानेगा कैसे? अरे हद हो गई, पहचानूंगा कैसे नहीं, दोनों ने सेम टू सेम लॉकेट जो पहन रखा है। वाव, अरे फिर तो डेफिनेट मिलेगा। कौन छू मने खबरा ना थी, मारी मम्मी कौन छे, मारा डैडी कौन छे। कितने में बेचोगे? 30,000 मैडम। ठीक है। तेरे बीवी रुक्मणी यार, रुक्मणी को भूल गया तू? देखना तो रुक्मणी को भूल। इधर ये तेरा नालायक बेटा हाँ? भास्कर 10 साल पहले दुबई भाग गया था। ये देख 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 ना इसको देख ना। तेरे को तो मैं पूरा फ्लैशबैक ही दिखाता हूँ। ये देख हनीमून पे कहता ना खड़क मसला, ये देख देख मुझे झूठ लगा। बहुत सिंपल है, एक मास्क पहनने का और एक पिचकारी वाला बंदूक लाने का, पानी नहीं डालने का उसमें, उसे हवा में जोर से घुमाने का और बोलने का बिंदास हैंड्स अप, बैंक का सेफ का चाबी इधर लेके आओ। ये जॉनी तू मेरा हेल्प क्यों नहीं करता बैंक लूटने में यार? नहीं रे बाबा मैं नहीं, तू तो एक्सपर्ट है ना यार। अरे नहीं गुरु, मैं एक बार ट्राई किया था, सब कुछ करेक्ट प्लानिंग था, फिर लास्ट टाइम में सुसु आ गया। वो कैशियर ने तो मेरे को बैंक के बाथरूम में बंद कर दिया, कुछ किया वो डेलनाज करके उसका नेम प्लेट में लिखा था, फिर सीधा जेल में। हाँ मैं भी वही करेगा जॉनी। क्या करेगा? मैं भी वही करेगा, पहले बैंक फिर सुसु नहीं लगी तो भी सुसु, फिर डेलनाज
फिर बाथरूम, फिर जेल, फिर लाइफ। अरे यार तूने तो आइडिया देके मेरी जान बचा ली यार चोरी। जेल में तो ना फौजदार तेरा और इजी से मर्डर करेगा, साहब उसी का आदमी है उधर। अरे डायरेक्ट जेलर को सुपारी दे देगा तेरा। गुरु कैसे जान बचाना है वो मत सोच, कैसा पैसा लौटाना है वो सोच। सपनों में है वो रंग जो बचा सा है वो शोर जो तमाशा है या शालाला फिलिप, किधर था तू कल? दो बार चक्कर मार कर गई, पर तेरे दरवाजे पर हैरिसन। पुरी बाबा, ये सब क्या हुआ? ड्यूटी पर मिस्टेक मेरा से हुआ, पंसेट उसका सजा गुलबदन को दिया, उसका पूरा बॉडी ब्लैक एंड ब्लू कर दिया सेठ का सैंडो। मेरे को करेक्ट बुलाता सब लोग, फिलिप फट्टू करके, मैं साला हैज फट्टू। मेरे पास चार आने का जिगर भी होता ना तो मां कसम मैं उस फौजदार को उसी का मर्सिडीज के नीचे कुचल देता। शायर की औलाद किसके साथ लगा हुआ है तू? मैं साला को मेरी हड्डियों को तेरा बाप सेकेगा क्या? वन मिनट प्लीज। कुत्तू मुशे में तो गांगा कर रहे बाबा। छोड़ ना मोना, तू बता तू इधर कैसे? देख मैंने एक जबरदस्त सेटिंग की है, सब कुछ रेडी है, बस एक पार्टनर की जरूरत है कल। सॉरी मोना, मैं तेरा हेल्प नहीं कर सकता। मेरा जो बकरा है ना वो पूरे 2 करोड़ का अंडा देगा, सोच लेना यार। फट्टू! कमिंग। सोच तेरा लवर का हालत ऐसा होता तो तू क्या करती? अरे लेकिन इतना बड़ा काम बिना पार्टनर के नहीं हो सकता। तो जगन से बात करके देख ले। वो साला बेवड़ा मुद्दप माताल पूरा खेल बिगाड़ कर रख देगा। ठीक है मैं दूसरा कुछ बंदोबस्त करती हूँ। She's a bad girl, she's gonna kill you dead, so dead. इसके खीसे में मेरा ये दिल रह गया शायद। ए सुन, किसी को भागते हुए देखा क्या? उस साइड गया। चल आगे देखते हैं। गया फिर क्यों? गए साले। थैंक यू। क्या रे? अरे नहीं नहीं वो फिश फिश। क्या फिश? फिश फिश फिश। तू अकेले? जगन कहाँ है? दगा दे गया, टल्ली पड़ागी था बार में। कुकुर साला। क्या प्रॉब्लम है क्या? रुक ना, अभी तुझे ही करना पड़ेगा उसका पार्ट। ना बाबा ना, बहुत डायलॉग है वो रोल में। धक्का क्यों मारती है? इधर आ। ड्यूटी से करवा ले। ये है कौन? अपनी बिरादरी का है। थैंक यू बोल रहा था। देख मैं तेरे काम आई।
तू मेरे काम आ, हिसाब बराबर चलेगी। आते दोस्त, चलो जुलाब लग गया क्या, जल्दी आजा मेरी जान, अच्छा मेरी जान ठुमका लगा के आजा। लटका दिखा दिया तुमने, झटका लगा दिया हमने, टना देखो मैं बहुत इज्जतदार आदमी हूँ, बाल बच्चेदार आदमी हूँ, टके की चिनाल के साथ गुलछर्रे उड़ा रहा है और कहता है कि मैं इज्जतदार आदमी हूँ। गलती हो गई, माफ कर दो, माफ कर दो, माफी तो मिल नहीं सकती, माफी तो मिल नहीं सकती भाई, मैं तो फ्री में थोड़ी मांग रहा हूँ। सवाल इस दो टके के वेश को गाड़ी में बिठाना, मैं इस इज्जतदार आदमी को माफ करके आता हूँ, और निकाल ये भी ले लो और निकाल। कहाँ गया, साफ है, साफ रख लो, साफ साफ। ये ले कांस्टेबल फिलिप, तेरा हिस्सा, अच्छा काम किया तूने यार। वेलकम। और ये तेरा, ये क्या है, तेरा हिस्सा। और ये कम से कम 1,00,000 का माल है और तू मुझे ये 3,000 पकड़ा दिए। अब 3 लोग है ना, 1/3 तो मेरा बनता है, सीधी सी बात है। तो तू नहीं लेगा? नहीं नहीं, सब वाली नहीं उठता। जो भी बोल मोना, रोल बहुत जान लगा के किया। अरे उसको अपन का टीम में ले लेने का था। अरे नहीं यार, कौन उसे हर बार हिस्से को लेके चिकचिक करता, बोल तो। क्यूट होगा अपने घर पे। कहाँ जाओगी अब पार्टनर ढूंढने? फिलिप तो रेडी नहीं है, जगन पे भरोसा नहीं कर सकती हो, और मुहूर्त है कल। एक काम करते हैं, मैं ही बन जाता हूँ तुम्हारा पार्टनर। वो लूट की रकम कितनी बताई थी तुमने? 2 करोड़ ना, आधा आधा बांट ले, मतलब फॉर चेंज, 1 तेरा 1 मेरा। इतने दिनों बाद मिले हो, पुराने साथी हो, गले मिलने की बजाय गले पड़ने की बात कर रहे हो। आदत डाल ली मेरी, समझ ले मैं वो चिंगम हूं जो तेरे सैंडल से चिपक गया। बड़ा फुदक रहा है तू, गरज मेरी है इसलिए चिपकने दे रही हूं, वरना कितने आए और कितने गए। बाकी रही हिस्से की बात, वो बाद में देख लेंगे। सखी हिस्से का तो ऐसा है, आधा हर हाल में लूंगा, पूरे 1 करोड़। बीच में आई ना सखी तो बीच से चीर दूंगा। चल। अरे यार तू समझता क्यों नहीं है, बिना कपड़ों के सोने की आदत है मुझे, खोली जाने दे, भाग थोड़ी जाऊंगी। सॉरी मैडम, वो रिस्क नहीं ले सकता मैं। ठीक है तो तू ही चल मेरे साथ मेरी खोली पे, आंखें बंद रखना बस। वेट मत डाल मच्छी पे। साला वेट मत डाल, वेट मत डाल। स्लो मोशन डिनर टाइम हो गया, चल। साइड बिजनेस लगता है तेरा, हाँ? कितने बेचता एक जोड़ी? अरे बाबा, अरे बाबा, क्या मन ताकत छे, ऐसे घूर रहा है कि जैसे अभी रेप कर देगा। सोने का क्या ली? हाँ चल लाइट बंद कर, और हाँ सो मत जाना पार्टनर, पता चला कि मैं फुर हो गई।
बस आंखें सेक ले गबरू, हाथ लगाया तो जूतों मारो शाला। बस भी करो, और कितने डब्बे ठूसोगे? I cannot touch it. I cannot eat. What should I do then? मांगो की बोल। तो पैसे कब लेके जाएगा? क्या? पैसे का इंतजाम हो गया? हाँ। Mind blowing. अच्छा सुन, ऑफिस आ जा। आ जाओ। अभी आ जा। अभी? क्यों बिजी है? अच्छा ठीक है। ओके बाय। ओके बाय बाय बाय। सॉरी स्वीटी, मुझे जाना पड़ेगा। वो क्या है कि एक चीज है जो कहीं से उठाकर कहीं और पहुंचानी है। बेबी, जो चीज उठानी है वो उठा लो, लेकिन उसे और कहीं पहुंचाने से पहले अपने फ्लैट आ जाना। मैं भी वहीं पहुंचती हूँ ना, फिर दोनों मिलके कॉफी पियेंगे। फटाफट फटाफट। तुम कहो तो सीधे मेरे फ्लैट पर चलते, पहले जो चीज उठानी है पहुंचानी है, बाद में हो जाएगा। बाद में, बाद में, बाद में, बाद में, बाद में, बाद में। पिक्चर तो पूरी देखने दो, तब तक तुम्हारा पॉपकॉर्न भी मजे में जाएगा। माइंड ब्लोइंग, माइंड ब्लोइंग। वेरी गुड, प्रॉपर्टी के पेपर्स तो एकदम करेक्ट है यार। कंग्रेचुलेशन सर, हैव अ नाइस स्टूडियो का इनॉग्रेशन। ऐश्वर्या राय सर प्लीज। यार ये 25 भी ना पूरा एक बोरी भर के पॉपकॉर्न खाया, वो भी आफ्टर फुल ब्रेकफास्ट। फिर भी मैं अच्छा, उसको छोड़ यार, तू एक काम कर, तू पनवेल चला जा म्युनिसिपैलिटी के दफ्तर में, और वहाँ रजिस्ट्रेशन की तारीख पक्की कर दे, और फिर साइट पे जा और एक बोर्ड लगवा दे, दिस प्रॉपर्टी बिलोंग्स टू गोगी कोकरेजा एंड प्रोसिक्यूटर विल बी ट्रेसपास्ड। उल्टा सर, ट्रेसपासर्स विल बी प्रोसिक्यूटेड सर। यार वही 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 तो बोला मैंने यार, चल तू जा पनवेल जा। नहीं सर, बट 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 नहीं सर, वो ससैया आने वाला हैदराबाद से। ससैया? ये क्या होता है? होता नहीं ससैया सर, सिकंदर खान का डुप्लीकेट, आपका फिल्म का पैचवर्क के लिए बुलाया उसको। अच्छा अच्छा अच्छा, मैं उसे संभाल लूंगा, तू चलना। ओके सर। अच्छा सर सर सर, ससैया डायरेक्ट स्टेशन से इधर ऑफिस आएगा, उसको बोला ना कि मैं खुद सवेरा होटल में उसका कमरा बुक किया सर। सर ऐश्वर्या राय विदाउट अभिषेक सर। मैं करता हूँ ना, करता हूँ। प्रॉमिस। अरे तू जा यार। नो अभिषेक सर प्लीज। ओके, बाकी सावन भाव नहीं देती। ऐश्वर्या राय सर, एग्जॉस्ट चला दिया बाथरूम का। यार गोगी, यार सुना था मकई पेट के लिए अच्छी होती, इधर तो अब यार हर चीज की एक लिमिट होती है। शिट। वैसे तेरी तबीयत पहले से तो ठीक है ना भाई? सोसो। अरे सोसो को छोड़, तेरे को हजार हजार के दिखाता हूँ। खुलजा सिम सिम, ये देख पूरे 2 करोड़। फैक्ट्री लगा ले पॉपकॉर्न की, अब तबीयत बेटर हुई। यार कहाँ रह गया तेरा आशिक? इसी बिल्डिंग में रहता ना पक्का? हाँ रे, गई उसके फ्लैट में मैं। ये शिकार लोग के साथ मतलब सोना भी पड़ता है क्या? फौजदार साहब, आपका 2 करोड़ अरेंज कर दिया है। जीवा जीवा, इम्प्रेस कर दिया जी आपने तो। Everything before time. वाजी वाह। Thank you sir. अच्छा वो शाम को आऊंगा तो चलेगा ना? This is an emergency. हमें जानकारी मिली है कि आतंकवादी लोगों ने इस बिल्डिंग में बॉम्ब फिट किया है। ये झूठी खबर भी हो सकती है, लेकिन हम लोग कोई रिस्क नहीं लेना चाहते, इसलिए आप सब लोगों से अपील है कि अपना अपना फ्लैट खाली करके नीचे कंपाउंड में आ जाइए। सब लोग
है तो होशियार, बिल्डिंग में बम हो सकता है। भाइयों और बहनों, ब्रांड मुंबई बॉम्ब स्क्वाड पहुंच चुका है। अब घबराने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। हेलो सर। हेलो, माइसेल्फ दुबे। हाँ, ये डिपार्टमेंट ने छोटा गाड़ी कब से लिया सर? नया डेवलपमेंट है, बड़ा गाड़ी हमेशा बॉम्ब फटने के बाद पछता था ना ट्रैफिक जाम की वजह से, छोटा गाड़ी लिया। कैप्टन तिलोत्तमा। यस कैप्टन कादू मकरानी। फॉलो मी। ओके, ये बॉम्ब स्क्वाड में लेडीज श्रीलंका की होगी सर पक्का। एक कॉस्ट्यूम बड़ा टाइट है तेरा, सही से क्या? तो तू ही क्या नाली लानी जाए। चुप है, मत ले मत ले। इंस्पेक्टर साहब, कुछ आइडिया है कौन से फ्लैट में है ये? ए मिस्टर, क्या है ये? क्या है ये? चल जाके किसी झाड़ के पीछे छुप जा, अभी अरेस्ट कर लूंगा। ए चुप, ये बेडरूम में नहीं है। सुख क्या? अरे यहाँ पे भी नहीं है, तू एक काम कर, तू किचन में जा। हाँ। मैं बाथरूम जाती हूँ। नहीं अभी सुन। अबे मैं सूटकेस देखते जा रही हूँ ढेंचो। अरे बाथरूम में कौन सूटकेस रखेगा यार, और एक कॉस्ट्यूम मेरे साथ का क्यों नहीं है? हाँ। ओ, ओ तेरी ये पच्ची से सारा दत्तिंग आज भी निकला है। हाँ। खोल खोल खोल। बॉम्ब मिल गया क्या? हाँ, बॉम्ब मिल गया है। डिफ्यूज कर रहे हैं। जोर से बोलना। एक बात, वॉल्यूम ऑन। ये कॉस्ट्यूम है ना वाकई में टाइट है। अरे यार तो डालना। वेल डन कैप्टन तिलोत्तमा। लाइट बॉम्ब है, कभी भी फट सकता है। बहुत ही एडवांस बॉम्ब है, ऑफिस में ले जाके डिफ्यूज करना पड़ेगा। रन मुंबई बॉम्ब स्क्वाड आप सबके सहयोग के लिए आभारी है, धन्यवाद। जय हिंद। जय हिंद। बोला था ना झाड़ी के पीछे छुप जा चल के। भाई बॉम्ब है, क्या कर रहे हो कैप्टन तिलोत्तमा? नो प्रॉब्लम भाई। रब बिना कमाल है, तू कहीं जुड़वा तो नहीं है? अरे नहीं पाशा, बिल्कुल इश नहीं। अरे उन्हों का मई का फैमिली कनेक्शन नहीं इश नहीं। ये देखो पाशा मेरी पिक्चर आई। आप बोले तो मैं नाचता हूँ भी, गाता हूँ भी, आपको टैलेंट दिखाता हूँ ना। आप जरा हुकुम करो तो सही। देख भाई, तू लोड मत ले, एक आधा गाना है, दो चार फाइव सीक्वेंस है, हम काम चला लेंगे। शेषनाग तू ऑन है भाई। हाउ पाशा, शेषनाग काय को बुला रहे हैं मेरे को? शेषैया बुलाओ जी। ठीक है ठीक है, देख सवेरा होटल के अंदर तेरा रूम बुक है, रिसेप्शन से एड्रेस ले ले, और ये मेरा कार्ड रख अपने पास, बंबई में कहीं गुम आ गया ना तो कम से कम फोन तो कर सकेगा। क्या पाशा, आप बहुत ही अच्छे, क्या ख्याल रखते मेरा। वहाँ हैदराबाद में रहीम रुमाली ऐसा ही ख्याल रखते मेरा। क्या आखिरी खाना बनाते अपने ढाबे में, खा खा कर बा 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 पेट गिर जाता है। मेरे को भी सिखाया, आपको भी पका के खिलाता हूँ। शेषनाग शेषनाग बस बस बस, आप निकल लो तुम, चलो। यूर वेलकम। Stop it!
उन्हें मस्त किया। बख्शिश तो देवा उचित तो के समझ ले मैं वो च्युइंगम हूं जो तेरे सैंडल से चिपक गया है। क्या स्लो मोशन फिर से बना गया ना पोपट। क्यों झांसे की रानी ये भी लेने आई क्या? ले जा इस रकम से कुछ नहीं बनने वाला मेरा। बटोर ले और फूट ले यहां से, चक्कर मत दिखाना दोबारा। एक करोड़ से मुसीबत टल जाएगी, थोड़ा कम से नहीं चलेगा। खोल, खोल, खोल कभी नहीं खोलूंगी। अच्छा ठीक है खोलती हूँ, लेकिन पहले ये बता तुझे इतने सारे पैसे क्यों चाहिए? पैसों का बेस कैसे हो गया? पैसों का ये डंबल कहाँ से हो गया यार? रुपए का संतरा कहाँ से हो गया पता मेरे को? कहाँ रुपए काटा? ये क्या? थैंक यू। आदत डाल ले मेरी, समझ ले मैं वो च्युइंगम हूं जो तेरे सैंडल से चिपक गया। सिटी बस में, पब्लिक बस में तुमने 2 करोड़ का बैग नीचे रख दिया यार। अरे उसके बाद उठा भी तो लिया ना मैंने। किसको भी उठा तुमने? कौन था वो? अरे मुझे क्या पता कौन था, मेरा ध्यान तो बैग पे था ना। तेरा ध्यान बैग पे था? तेरा ध्यान बैग पे था? तू गया किधर वो बैग? आज बता ये तो नहीं। लास्ट स्टॉप 10 रुपए काड़ा। ये क्या? थैंक यू। सवेरा होटल का स्टॉप। थैंक यू बॉय। चलो यारो। हे चलाए।
गुड आफ्टरनून मैडम। गोल्डी पापा डेड टुमारो। तू एक काम करेगी बंगालन, तू है ना मेरी जान ले ले, खत्म कर दे यार किस्सा। कम से कम ये फौजदार के हाथ तो तड़प तड़प के मरना तो नहीं पड़ेगा ना। चुप चुप कर बे, तो कौन दीवार तक आज कर बे। चुप कर बे, चुप कर बे। यहाँ मेरी जान की पड़ी है, तू सिकंदर खान को देख रही है यार? अरे ये सिकंदर खान नहीं है, ये उसका डुप्लीकेट है। ये देख तुम शेषैया, शेषैया, शेषैया। मैं क्या करूँ, चल डालू उसका। क्या इधर, क्या किधर है? ये ट्रेन का टिकट है, ये हैदराबाद मुंबई मेल 35। ये कल का टिकट मतलब आज फंसाओगे ना? गोगी आर्ट्स इंटरनेशनल, गोगी कुकरेजा प्रोड्यूसर। इसका मतलब डुप्लीकेट शेषैया को किसी प्रोड्यूसर से ये कार्ड मिला है। हाँ तो ये गोगी डुप्लीकेट। ये बैग किसका है? ये बैग शेषैया का ही है ना यार। तो शेषैया कहाँ मिलेगा यार? अरे इसमें गोगी का नंबर है ना, इसको फोन करके पूछ लेते ना, काय के लिए काय काय तू कर रहा है बोल। चलो यारो अब हो गया बहुत। आपको हमारी स्पेशल थाली कैसी लगी? आपकी तरह बड़ी अच्छी थी, बस हल्दी बहुत ज्यादा थी। अब तक बदबू आ रही है, सुंगो सुंगो। ये आपके रूम की चाबी, आपका बैग रूम में पहुंचा दिया है। और हाँ, गोगी आर्ट्स इंटरनेशनल से फोन आया था कि आपने चेक इन किया कि नहीं, और उन्होंने ये भी कहा कि आपकी कजिन सिस्टर को होटल सवेरा का एड्रेस दे दिया। हाँ, अच्छा अच्छा, क्या बोले? कजिन सिस्टर, इन्हें कहाँ से पैदा हो गई? मेरी तो बहन है ही नहीं, मुंबई तो क्या हैदराबाद में भी नहीं। इसकी बहन की किरकिरी, इसकी माँ की किरकिरी, क्या तुम ये बैंगन? मेरे दीदी सही तो है, हैदराबाद से थैले में कपड़े लेके निकला था, यहाँ नोटा नजर आ रही। आय हाय मियाँ, ये तो सचमुच के नोटा आई। अरे मेरी तो निकल पड़ी, अभी मैं खुद ही पिक्चर बनाता हूँ, खुद ही हीरो बनता हूँ, बाकी बचे पैसों से चार मीनार खरीदता हूँ। ना बेबी, ना बच्चा, ना बाप बड़ा, ना मैया, द होल थिंग इज दैट कि भैया सबसे बड़ा रुपया। फोन पे जो आपकी कजिन सिस्टर होने का नाटक कर रही थी, उसे पता चल गया है कि आप कहाँ छिपे हुए हैं, और वो बहुत जल्दी यहाँ पहुँचने वाली है। अब पता चला ये कजन बहन का मामला क्या तो बीच है, अब क्या करूँ? भाग जाओ नीकू। जल्दी करो यारो, गाड़ी बढ़ाओ। वो जाना कहाँ है जी? होटल, होटल। ये है ना होटल? अरे हाउल है दूसरा होटल। क्यों जी, सवेरा में क्या खराबी है? आपके रूम से कोई साफ चाप निकला है? ये ले सौ की पत्ती, नीचे मिर्ची लगी है, माँ की किरकिरी। गाड़ी बढ़ा, जल्दी जल्दी बढ़ा। आपको कहीं देखा है? कहाँ देखा है, याद नहीं आ रहा। कहाँ, किसको याद? क्या खाया यहाँ पे? और लाई क्यों ये सरकस तंबू यहाँ पे? अरे लौटाने के लिए, और क्या उसका है? अरे तू तो लौटा देगी, वो वापस करेगा अपना बैग। अबे खंचक कर, ऐसा भी तो हो सकता है कि उसने अभी तक बैग खोला ही ना हो। उसने अपना बैग खोला ही तो मुझे तुम बोला। सिटी बस में तूने बैग नीचे रखा क्यों? ऑटो करना चाहिए था ना। भगवान है, तो पागल कर दिला माके। लो जी डुप्लीकेट प्राजी, ये आ गया आपका लाला लॉज। ये इसकी माँ की किरकिरी, ये लॉज है क्या, कब्रिस्तान? अरे मैं तो पहले ही कह रहा था कहीं और चलते हैं। नको, अभी के वास्ते मई काम चला लेगा। चलो यारो। लड़ी रंडी खाना साला, एकदम ठटका। अरे किधर फंस गया मैं? ए गड़ेरा, अरे आई तेरा लॉज एकदम ठटका से। छी, एजेंट को तो मैं छोड़ूंगा नहीं, नहीं छोड़ूंगा। बाबा जी कहीं जाना है? बाबा जी बोलो जी, आजू बाजू कोई डिसेंट होटल में ले चलो ना। कब? 20 मिनट पहले। कोई आइडिया है किधर गया? हाँ मोहतरमा। मोहतरमा? हाँ जाते जाते बोला मैं जाता है मोहतरमा। शिट, साला। सब तेरा मिस्टेक है, बस में बैग तूने रखा ही क्यों है? बस वाला मेरा ससुर था ना, इसलिए। रह जाती ना बस में सेफ्टी बन के। कमाल हो गई यार, आज सारे के सारे काले हरे बैग वाले सवेरा होटल से चेकआउट करने में लगे हुए। सारे के सारे मतलब कितने? नहीं ज्यादा तो नहीं, एक वो और एक तुसी। अरे कौन वो? कई वो सिकंदर खान का बिल्कुल ठीक था जी आपने, उसके पास एक बैग भी था, वो आपके बैग का डुप्लीकेट। किस तरफ क्या हो? बंदा उसको लाला लाज में छोड़ के आया। लेकिन चल वहाँ पीछे की सीट में बैठ। हाउली पोटी आ गई। नहीं है। खिड़की चेक कर, खिड़की। पिंडे की मेरी। इधर आ। नको। तू वापस आता क्यों? तो मैं भी बोला ना नको। ऐसे खड़ा होकर बुलाया गया तो उसको नीचे जाके पकड़। अरे नहीं बहुत ऊपर है। नहीं तो धक्का मारूंगी अभी। धक्का मारेगी? चल। मैं तेरे को कराटे चॉप मारूंगा। आलू चॉप मारेगा।
मछली नहीं है। हाँ तो ठीक है, तुम्हें जल्दी चलो ना। अरे कुछ मिला? अरे कुछ तो बोल एड़े। अरे इधर कोई बैग वैग नहीं है, सिर्फ बदबू है। अरे ठीक तरह से ढूंढना, वहीं पे कहीं पर होगा। खर खर करता रहता है। खुला के देखना। मेम साहब है क्या तू? एक मिनट। क्या बोला था, तुम्हारा बैग कहाँ पे गिरा था? हाँ वो लाना लॉज। वर्सोवा। हाँ क्यों? अरे आप लोग गलत ट्रक में ढूंढ रहा है, ये तो सात बंगले का कचरा उठाता है। अरे हो ही नहीं सकता, हम लोगों ने देखा यही ट्रक था यार। अरे देखने में सब ट्रक एक ही जैसा दिखता है। ठीक है सुनो, इतना बताओ कि वो वर्सोवा वाला ट्रक कहाँ मिलेगा? देवनार का कचरा मैदान में। कबर अच्छा नहीं है सर, आपका पनवेल वाला आधा लैंड पर कब्जा हो गया सर। क्या बात कर रहा है? हाँ। वाजू का आश्रम का मैडम महाराज बहुत बड़ा मंदिर का काम शुरू किया इधर सर। टेम्पररी पंडाल में मूर्ति बिठा के आरती भी चालू सर। लिंगम सर, ये जमीन मेरी है लीगली सर। आरती बंद करवा अभी इसी वक्त, तंबू खुलवा। इम्पॉसिबल सर। क्यों बे, तू भी इस महाराज का भक्त है क्या? नहीं सर, अब फौजदार सर। डरो मत, यहाँ कचरे में ऐसा बहुत कुछ उगता है। क्या ढूंढ रहे हो? क्या बोलेगा, सुई ढूंढ रहे हैं भाई, भूसे के ढेर में। ढेर तो भाई यहाँ एक नहीं अनेक है। बॉस, इनमें से वर्सोवा वाला कौन सा है, कुछ आइडिया है? नहीं ना। क्या 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 पूछ रहे तू? एक जमाने में तो मुंह जुबानी याद थे। कोशिश करके देखता हूँ। वो रहा गोरेगांव ईस्ट वाला टीला, दो कदम पर है गोरेगांव वेस्ट का कचरा, और उधर जोगेश्वरी का पहाड़ होगा। करेक्ट। और वहाँ अमूली की चोटी। बिल्कुल ठीक। और उसके साथ वाला जो ढेर दिख रहा है ना बिजली के खंबे के पास, वही है वर्सोवा का कचरा। चल 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 आगे बढ़ो, चढ़ जाओ उस शिखर पर, गाड़ दो अपना झंडा, बसा लो अपनी दुनिया जैसे मैंने बसाई है यहाँ। hey,
जो कचरा में से निकला ना वो 10,11,000 है। और गुरु की खोली में 5 लाख के आसपास। पर देने का तो 1 करोड़ है ना वापस। जॉनी, ये 15 लाख उनको देके थोड़ा और टाइम नहीं मांग सकते? नो। अरे बाबा, गुरु बाबा, गुरु क्या कर रहे? स्टॉप इट! छोड़ दे। कुमार गणेश, क्या कर रहा है? चल। गणपत ठीक है ना? क्या दिमाग खराब है क्या तेरा? क्या कर रहा है? उसका मेमोरी का लॉक खोल रहा हूँ यार। कल तक अगर याद नहीं करो उसको अपनी डंडी डुल हो जाएगी। मारी मम्मी कौन छे? मारा डैडी कौन छे? ओहो जी, ओजी महाराज इनका कैश लूट गया जी। ओजी कैश लूट गया तो मैं क्या करूं? पैसा मिलते हमारे पास आना चाहिए था ना। ये गुसल खाने में बैग रख के नंग धड़ंग नीचे जाने को हमने कहा था क्या? ओ फिलिप फट्टू जी, क्या हाल है जी आपकी सहेली के जख्मों के? मलम वलम लगाया कि नहीं उनके अंकों पे? हाँ, एक गलती होगी जी हमसे। लवली जी, एक गलती हो गई। उसकी पिटाई का हमको एक वीडियो बना लेना चाहिए था। दोपहर का शो देखते जी 3 से 6 का है कि नहीं? क्यों जी? पीएस हियर के साथ। पट्टू अगली बार गलती करेगा ना जी तो जरूर उतार दूंगा इसकी फिल्म से। नहीं जी, कैसी बातें कर रहे हो? इनको हाथ कैसे लगा सकते हैं जी? फिल्म तो इनकी सहेली की बनेगी जी। हर बार बनेगी ना। आंखें फाड़ के क्या देख रहा है? जाकर मर्सिडीज साफ कर। और बात आपकी आ गई गोगी जी। हाँ जी। देखो जी, मानते हैं जी जमीन तो आपकी है पर मंदिर तो हमारे महाराज जी का है ना। एक भी ईंट हिलाई तो बाय गॉड सांसों में चूना भर दूंगा। पर पाजी, बार-बार कुछ नहीं जी, ये मंदिर को हाथ लगाने की बात आपने सोची कैसे? सॉरी पाजी। चलो अच्छा है तो महाराज जी कल यहाँ आ रहे हैं, उनके पांव वांव पे पड़ के माफी शाफी मांग लेना। पाजी मैं माफी भी मांग लूंगा और आप कहेंगे तो उनके पूरे आश्रम को AC करवा दूंगा और जल्द से जल्द आपके पूरे 50 लाख वापस कर दूंगा। 50 लाख नहीं जी, नहीं 1 करोड़ रुपया। नहीं पाजी, अब समझे नहीं, वो आधी जमीन पे तो मंदिर बन गया ना, तो 1 करोड़ का आधा 50। एक बात तो मान लो जी, आप गांठ बांध लिए। पैसे तो जितने मैंने दिए हैं उतने ही वापस लूंगा। बाय गॉड, समझे? और जी पतिसिया जी, देखो इनके पास तो फिर भी बहुत वक्त है, लेकिन आपके पास तो सिर्फ 3 दिन बाकी है। भाई साहब, 3 दिन में आपने मेरे पैसे दे दिए तो ठीक है, वरना चंदन का हार आपकी फोटो पे लगा के टांग दूंगा। बाय गॉड, लाइफ इज सो ब्यूटीफुल, बहुत मिस करूंगा यार। फट्टू, अभी से खाली फिलिप बुलाने का, समझा? चुप हो जा। अरे वो अंकल अभी रोना बंद करेगा तो आप दोनों से एक इम्पोर्टेंट बात करने का। के पूरे 15 लाख एक साथ, वो भी एक ही नंबर पे। हाँ हाँ, 13 नंबर पे 13 आर या पार, समझा? ऐसे मोना, अरे हटो यार, हटो ना, हटो, आओ भैया आओ, अरे हटो यार। यार वो कैसा है, ये मेरे दोस्त है, इनको मुझे खेलना, चलो आओ। आ जाओ। Thank you.
कुछ नहीं मौसी, जमीन डगमग हुआ। अरे मैं पूछा अंदर। अंदर वो शराफत की पार्टी थी ना, 1 करोड़ रुपया जीत गए। लगा दूं? लगा दे शराफत भाई, लगा दूं? बिल्कुल लगा दे। एक और दाव लगाते ना शराफत। एकदम नए, चुप, ओती लोभे ताती नष्टो, किस्मत से पंगा लेने का सोचना भी मत। लेकिन व्हाट अबाउट तेरा हिस्सा यार? व्हाट अबाउट तेरा हिस्सा यार? मोरे जच्चा मैं हिस्सा को तो चिंता करते करते वही तो, सिर्फ 1 करोड़ ही तो जीते हैं यार। अरे चल ना यार, तू पहले फौजदार का उधार तो चुका, मेरा क्या है, मैं बाद में वसूल लूंगी। मैं बहुत स्मार्ट हूँ, नया ऑपरेशन, नया 25 या माल सारा मेरा, और तेरा हिस्सा लव डंका। यार शराफत भाई भालो भाषी यार। हेलो वाशी, चल शेट्टी गाड़ी में बैठ। यस। रस्ते में तुझे नूरे के यहाँ छोड़ता हूँ, बिरयानी मंगाई ऊपर। ठीक है सर। महाराजी, आपको खाता देखता हूँ तो आत्मा संतुष्ट हो जाती है। महाराज जी आपके फेवरेट फेवरेट रसोई ने बनाया, ये है चिकन लॉलीपॉप। सेठ ये है, वो आपके पैसे लाया। आओ जी आओ जी आओ जी, महाराज जी को प्रणाम करो। हाँ पूरे हैं? हाँ जी हाँ है, ये पूरे हैं ना। वेरी गुड वेरी गुड। महाराज जी ये रही आपकी फेवरेट डिश, इसको कहते हैं पॉम्फ्रेट फिश। अच्छा तो मैं चलता हूँ सेठ। अरे ऐसे कैसे जाएंगे आप, कुछ ठंडा पीकर जाओ, कुछ कोल्ड ड्रिंक, कुछ कोल्ड कॉफी। नहीं नहीं मैं कुछ नहीं पीऊंगा। पीना तो पड़ेगा ना जी। आप ऐसा करो, आप कोल्ड सोडा पीकर जाओ। हाँ सोडा चलेगा। मैं तो आपसे पैसे वापस आने की उम्मीद जो है वो भूल चुका है। मैंने तो लवली को भी भेज दिया आपके गैराज में जी। मैंने कहा भी देखो पैसे मिल जाए तो अच्छी बात है, पैसे ना मिले तो दोनों के सहारे ले आना वापस काट के प्लेट पर। अब आपके गणपत अंकल का क्या होगा इसका मुझे पता नहीं। सेठ जी आप लवली को फोन करके बुलाइए ना, पैसे तो आ गए ना आपके। अरे तो भाई साहब करो, आप करो, देख नहीं रहे मैं थोड़ा बिजी हूँ। महाराज जी इसको कहते हैं फिश के पकौड़े। सेठ लवली का नंबर, लवली का नंबर, हाँ लवली का नंबर है जी। महाराज दे दूं लवली का नंबर? अगर पुण्य का मना चाहते तो दे दो। हाँ ठीक है तो लवली का नंबर लिखो जी। ना लिखो नहीं जी, मैं करता हूँ उसको, एक मिनट। महाराज को खाना पस रहा है जी, भाई गॉड मछली बड़ी स्वादिष्ट है, खाओगे? नहीं मैं मछली नहीं नहीं आप खा लो। महाराज निवेदन कर रहे, खानी तो पड़ेगी ना भाई। मैं मछली नहीं खाता सेठ। तो प्रसाद समझ के खा लो भैया। तो प्रसाद के लिए टमाटर है ना, खा लूंगा ना। नहीं खानी तो फिश ही पड़ेगी, नहीं तो ये रहा आपका फोन। ऐसे कैसे सेठ, मैं तो फिश खाता ही नहीं हूँ सेठ। सेठ क्यों व्यर्थ समय नष्ट कर रहे हो? मैं फिश नहीं खाता। इसे खाओ अंकल की प्राण बचाओ। महाराज फोन कर दो सेठ। हाँ हाँ फोन लगाता हूँ, इसको मजा आ रहा है। आप इसको एक टुकड़ा फिश का और खिलाओ। देखो पुत्र, मछली तो जल की रानी है और इसका जीवन पानी है। महाराज जी चाहते हैं कि आप अपने घुटनों के बल बैठकर अपने मुंह से जमीन पर पड़ी हुई मछली खाओ। नहीं महाराज जी, मुझे लगता है कि तरनामत के बगैर इसकी मछली अंदर नहीं। दो जी तरनामत। महाराज जी को छोड़, रमणी को फोन लो। लगाता हूँ, साथ रहे, रिलैक्स कर, कांच बहुत तीखा है, महाराज जी के टेट में मत घुसा देना। हेलो हेलो मैं बोल रहा हूँ। क्या हो गया जी? अरे सवाल मत कर, वापस आता उल्टे पाँव। इमरजेंसी है, जो घूम पहुँच रहे जी। तो होगी बात, अब तो छोड़ दो महाराज जी को, डरो मत, आप डरो मत महाराज जी। उचित किया बस। महाराज जी आप ठीक तो है ना? हाँ जी लवली जी, प्लान चेंज हो गया जी। लगाओ यूटर्न और बिछा दो गणपत की लाश गैराज में। कंफ्यूज कर रहे हो जी आप भी, कभी कह रहे हो आ, कभी कह रहे हो जा। लवली जी, लवली से कह के इसके अंकल के संगे इसके मुंह में। लवली जी फोन बंद करो, गैराज जाओ, कर दो गणपत का दी एंड। Thank you.
लवली जी को फोन कर कुछ हो गया ना करता हूँ फोन। और खड़ी हो जा शेरू की बगल में। महाराज जी दर्द हो रहा है, लंबी लंबी सांसें लो, अंडकोष को फायदा करेंगी जी। इस बहन के दीने की कोटियां बिखेर दे अभी इसी टाइम। अभी लो। हाँ जी सुलेमान जी, बाद में फोन करना, जरा बिजी हूँ मैं अभी। धमाकेदार मैच चल रहा है सर जी के ऑफिस में। तुझे कैसे मालूम? लाइव टेलीकास्ट देख रहा हूँ ना, LBW क्लीन बोल्ड। किधर है तू? जी मैं फायरिंग कर रहा हूँ आपके सामने वाली बिल्डिंग की छत से। क्या आईशाइन बक रहा है तू? अरे फट्टू 25 और गोगी की रिक्वेस्ट थी कि फोन करके मारना। साहब पर्सनल मत लीजियो, मेरा धंधा है। और ये विकेट गिरी। क्या हो गया? बस बेटा ये क्या कर दिया दोस्तों ने? गुरु गन पर। ओ लवली लवली चल चल। गद्दार मारे थे पंगा 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 पंगा। चाचा तेरी रामलीला खत्म। लवली छोड़ दे। Don't touch my gun! Oh, मेरे ऊपर का जीप का है। जीप याद आ गया इसको। अरे वो वहाँ कैसे? मैं यहाँ कैसे पहुँचा? गुरु मैं यहाँ कैसे पहुँचा? अरे गुरु याद आ गया इसको। पानी। ये चौकड़ी कौन है? ये मोना है। हाँ अच्छी है। वेलकम। सो वन फैमिली फोटोग्राफ प्लीज। वन टू। कौन छो? मने खबर नथी मारी मम्मी कौन छे, मारा डैडी कौन छे। नहीं
वे नगरी है। दोबारा वापस जाने का कोई नहीं जा रहा। मुंबई मन में नगरी है।